दोस्तों, आज मैं आप सबों को फोटोशॉप फाइल द्वारा मॉकअप करना सिखाऊंगा। अर्थात दोस्तों, मैं आप सबों को बताऊंगा कि किस प्रकार एक डिजाइन लोगो को अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आप सब भी दर्शकों से कुछ विशेष प्रकार का प्रश्न पूछूंगा, जिसका जवाब आप सभी दर्शकों को कमेंट बॉक्स में सबमिट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक लोगो डिजाइन किया हुआ है और हम इस लोगो को मॉकअप करना चाहते हैं, वो भी फोटोशॉप फाइल द्वारा। तो सर्वप्रथम दोस्तों, हम इन्हें पीएनजी फॉर्मेट में शेप करेंगे। और किसी भी फाइल को पीएनजी फॉर्मेट में यदि शेप करना होता है तो इसके लिए एक्सपोर्ट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसका शॉर्टकट की है Ctrl+E। अब दोस्तों, यहां हम फाइल का नाम डिफाइन करेंगे, फाइल ऑफ टाइप चूज करेंगे पीएनजी, लोकेशन चूज करेंगे जैसे डेस्कटॉप। आपकी इच्छा, आप किसी भी जगह फाइल को शेप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक्सपोर्ट की ओर सिंगल क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों ओके बटन की ओर सिंगल क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारा ये फाइल पीएनजी फॉर्मेट में डेस्कटॉप की ओर डॉल्बी नाम से सेव हो चुका है। अब दोस्तों, हम यहां किसी वेब ब्राउजर की सहायता से इस वेबसाइट्स www.freepik.com को ब्राउज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम जैसा कि देख सकते हैं कि यहां हमें कई प्रकार का मॉकअप फाइल दर्शाया गया है। इनमें से जिस किसी भी मॉकअप फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उस पर आप सिंगल क्लिक करें। सिंगल क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां आपको डाउनलोड नामक ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर आपको सिंगल क्लिक करना है। जब आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों, यहां हमारा मॉकअप फाइल डाउनलोड हो चुका है, बट ये फाइल हमारा यहाँ कॉम्प्रेस किया हुआ, जिसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। पहली बात तो दोस्तों, हमें इस लोकेशन तक विजिट करने के लिए शो इन फोल्डर की ओर सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, हमें इस कॉम्प्रेस्ड फाइल की ओर माउस का राइट बटन दबाना है एवं शॉर्टकट मेनू लिस्ट की ओर उपस्थित कमांड एक्सट्रैक्ट फाइल की ओर सिंगल क्लिक करना है, जिससे कि हमारा ये कॉम्प्रेस्ड फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम इस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर की ओर जाएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, दो तरह का फाइल दर्शाया गया है। एक फाइल का फाइल ऑफ टाइप जेपीजी है, जबकि दूसरे फाइल का फाइल ऑफ टाइप है एडोब फोटोशॉप इमेज। हमें इस फाइल एडोब फोटोशॉप इमेज की ओर डबल क्लिक करना है, जिससे कि हमारा ये फोटोशॉप फाइल फोटोशॉप एप्लीकेशन की ओर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हमें इस लेयर की ओर सिंगल क्लिक करना है, जैसा कि इस लेयर का नाम है प्लेस योर डिजाइन एंड क्लिक हियर। तो हम जब इस ओर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करते एक अतिरिक्त विंडो ब्राउज होगा। उसके बाद दोस्तों, हमें फाइल मेनू में जाना है। फाइल मेनू में जाने के बाद ओपन पर क्लिक करना है। हमने कॉल्डर में रहते हुए डेस्कटॉप की ओर पीएनजी के फॉर्मेट में एक फाइल शेप किया था, उस फाइल को दोस्तों ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों, हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए इस विंडो की ओर लाएंगे और लाकर यहां पर ड्रॉप कर देंगे एवं जो हमारा बैकसाइड लेयर है, इस बैकसाइड लेयर के कंटेंट को यहां से हाइड कर देंगे। अगर आप चाहें तो Ctrl+T का इस्तेमाल कर इसे रीट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें इंटर की को प्रेस करना है एवं इसे सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस दबाना है। जब हम कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो ये हमारा जो लोगो है वो हमारे मॉकअप फाइल के साथ मर्ज हो जाएगा। जैसा कि आप दोस्तों इस मॉकअप फाइल में जाकर देख सकते हैं कि हमारा जो लोगो है वो मॉकअप फाइल के साथ पूरी तरह मर्ज हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का सवाल है कि कॉल ड्रो में ट्रांसफॉर्म पैनल बॉक्स को खोलने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं एवं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पैनल बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।